थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पे एक जबरदस्त लीडर को बुलाना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत ही कम समय में माई रिचार्ज में एक सफलता हासिल किया था। तो मैं यहाँ उनको बुलाना चाहती हूँ, विनोद कुमार सिंह, जो मणिपुर के रहने वाले हैं। विनोद सर, वेलकम, आपको मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू अनु मैम। माय रिसर्च आयो गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार सिंह इम्फाल मणिपुर से बोल रहा हूँ। मैं पूर्व सैनिक, भारतीय सेना का एक पूर्व सैनिक हूँ। आज से लगभग 6 साल पहले मैं इस सिस्टम में जुड़ा हूँ और मैं पहली बहुत खुश नसीब है कि पहली बार इस कंपनी का मणिपुर में मैं डबल डायमंड डायरेक्टर हूँ और मेरा साथी 22-23 अभी जो रॉयल्टी अचीवर के साथ मैं मणिपुर में इस बिजनेस को बहुत अच्छी से बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ। और सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा आदरणीय MD मिस्टर अशोक कुलारी सर और कंपनी के जो ग्रेट ट्रेनर है मिस्टर चेतन सर और मेरा मेंटर मिस्टर SK लतीकुल इस्लाम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाया है। और कंपनी के बारे में, हमने यहाँ इतना जबरदस्त इस सिस्टम से हमको जो सीखने को मिल रहा हो, अचीवमेंट करने का जो मिला है, मेरे अचीवमेंट के बारे में बताएं तो सबसे पहला तो मैंने बता चुका हूँ, मैं जो डबल डायमंड डायरेक्टर इस कंपनी का और पहली बार मणिपुर में मैंने डबल डायमंड डायरेक्टर अचीव किया है। और साथ ही साथ डबल डायमंड अचीव करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डबल डायमंड डायरेक्टर को मेंटेन करके रखना, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग को मालूम है मणिपुर में कुछ पिछली 6-7 महीना से जो दंगा चला है, इसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और प्रोडक्ट सिस्टम, इंटरनेट नेटवर्क सारे चीज बंद हो गया था। लेकिन इस सारे चीज होने के बावजूद हमने इस मुकाम से कैसे निकलना है और बिजनेस को किसी तरह आगे बढ़ना है, हमने यहाँ पे बहुत अपना जो ग्रेट मेंटर SK लतीकुल सर से बहुत सारे चीज जो हमको जो सजेशन मिला है। लेकिन इतना होने के बावजूद आज क्या है, हम डबल डायरेक्टर बिजनेस रैंक को मेंटेन करके यहाँ तक लेके आया है। साथ ही साथ स्ट्रगल तो बहुत है। आप लोगों ने सोचा होगा नॉर्थ ईस्ट में तो बिजनेस ऐसे ही होता होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जितना बिजनेस में स्ट्रगल है तो कहीं नहीं है। जो मणिपुर जो स्टेट है, एक तो बॉर्डर एरिया पड़ जाता है और कहीं भी किसी भी टाइम यहाँ पे दंगा हो सकता है। अभी 10-15 दिन ही तो हुआ है अपना जो इंटरनेट खोला है, आज से 3 मई इसी साल से इंटरनेट बंद था, लेकिन क्या है धीरे धीरे माहौल में जो सुधार है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना होने के बावजूद हमारे को जो आदत पड़ जाता है, जो फौजी आदमी है, इतना मुसीबत में किस तरह निकलना है। तो दोस्तों, मुसीबत जितना भी आने और जितना भी जो तकलीफ हो, लेकिन अगर मन में ठा लिया इस काम को करना है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रुक सकता है। और इस बिजनेस से मैं ऑलरेडी यहाँ पे लाखों कमाने का जो मौका मिला है, महीना में लगभग 1-1.25 लाख तो इस बिजनेस से मिल जाता है। पहले से मेरे पास जो घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, मैं इस बिजनेस को क्यों चुना? इस सर्विस से रिटायर होने के बाद मैंने पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन किया था। पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन करते करते मेरा दिमाग में सोचा, सर्विस तो इतने दिन हम करके आया है, लेकिन बचा हुआ जो जीवन है इसी में अगर गुजर जाएंगे तो हमारा लाइफ को जीने का कोई मकसद नहीं रहेगा। तो मेरे सामने दो ऑप्शन थी, एक तो माई रिसर्च को ज्वाइन कर लो, नहीं तो क्या है गवर्नमेंट सर्विस में चले जाओ। लेकिन बहुत काफी से सोच विचार रखने के बाद हमने अंत में डिसीजन लिया कि यस, यही एक बिजनेस है, इसको करते करते अपना खुद का और लोगों का हम फायदा कर सकता है। और इसीलिए क्या है, हमने बाकी सारे से छोड़ के इस बिजनेस को हमने दिल लगा के आज डेवलपमेंट में जो लाया है। माई रिसर्च से जो पैसा मिला है, जैसे 30-35 लाख रुपये हमने जो यहाँ से जो अचीवमेंट किया है, और सबसे अच्छा लगा कि जैसे मेरा पास ऑलरेडी घर है, इस घर को ऐसा भी घर तो सवा मतलब 1.5 करोड़ का जो घर है, यहाँ पे जो मेंटेनेंस करने में इस माय रिसर्च ने बहुत बहुत योगदान दिया है। साथ ही साथ जो गाड़ी है,
जो गाड़ी को मेंटेन करने में जो आपने जो कार फंड जो दिया है, इतना स्मूथली मतलब गाड़ी को मेंटेन करने का जो मौका मिला है, दोस्तों यकीन मानिए आप, माय रिसर्च का जितना जो पावर है और कहीं नहीं है। यहाँ से हमने तो ट्रेवल फंड एसिव किया और हाउस फंड एसिव किया, कार फंड एसिव किया, सारे फंड का जो एंजॉय मैंने हर महीना यहाँ से उठा रहा हूँ, और साथ ही साथ रॉयल्टी इनकम तो है, आपको मालूम है, आप सबको मालूम है, डबल डायमंड रिंग एसिव करने के लिए आपका नीचे शेयर रॉयल्टी एसिवर होना जरूरी है, और साथ ही साथ ये शेयर रॉयल्टी एसिवर के साथ आप मिलके काम करेंगे तो आपको इनकम रुकने वाला कोई नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए इस बिजनेस में इतना जो हमको जो फायदा दे रहे हैं और बाकी बिजनेस में हमने कंपेरिजन करने देखने की बात कहीं नहीं है। माय सास इतना जबरदस्त पावर हमको दिया है, इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोग को रुकने नहीं दिया माय सास। यहाँ पे फायरिंग चल रहे है, घर जला रहे हैं, रास्ता ब्लॉक हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, इसके बावजूद हम 20 में से निकल के माय रिसार्च को करता हूँ, क्योंकि माय रिसार्च के अंदर इतना दमदार है, इतना पावरफुल है। दोस्तों आप इसको दिल लगा के, आप इसको मन लगा के, फैमिली के साथ इसको मूवमेंट कीजिए, देखना आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। और बहुत खुशी की बात है कि शुरुआत में हमने इस बिजनेस को बिजनेस नहीं समझा, सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करने के लिए ज्वाइन किया था, ये भी ताजुब की बात है। और आज से 5-6 साल पहले हमने इसको मोबाइल रिचार्ज समझ के हमने बिजनेस के बारे में कुछ सोच विचार नहीं किया, लेकिन अचानक एक दिन 2019 में कंपनी से इंफॉर्मेशन मिला कि दिमागपुर में एक मेगा सेमिनार हो रहा है कंपनी का, तो मेरा मन में लगा कि इस सेमिनार को जाके देख लो और माय रिसर्च में होता क्या है, इसमें क्या क्या हो रहा है, मैं सीखने का मेरा एक मन में इच्छा था। तो मौका मिला, भगवान ने मेरे को वहां तक पहुंचा दिया। जब सेमिनार में देखा यहाँ पे, तो मुझे पता चला हमारा जो सोर्स रिसर्च करने का जो विचार और यहाँ पे जो हो रहे हैं, कोई कोई ऐसी पर यहाँ पे आके अपना भाषण दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 5 लाख कमाया महीना का, ये सारी चीज देख के हमने लगा इस चीज को बहुत जल्द से जल्द मणिपुर में लॉन्च करना चाहिए। और वहां से लौट के आने के बाद हमने सबसे पहले अपने टीम में अपना CNF स्टाब्लिश किया, उसके बाद हमारे पास 30 फ्रेंचाइजीज हमने स्टाब्लिश किया, और ये स्टाब्लिश करने के बाद कंपनी से इस तरह रेगुलर प्रोडक्ट आने का हमने रिक्वेस्ट करके इस स्टेटस में लेके आया। अभी क्या है, जितनी स्टेटस आने दो, लेकिन क्या है, स्मूथली माई सास अभी मणिपुर में बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरे को यहाँ डबल लेवल तक पहुंचाने के लिए जो मेरा टीम को बहुत योगदान है, और सर SK Latikul सर खास करके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सारे से मणिपुर में इंटरनेट बंद होने के बावजूद हमने इसको बारबेले तेल बोलने के लिए उसको कॉन्टेक्ट करके बंदे को ज्वाइन कराना, बिल काटना, प्रोडक्ट डिमांड करना, ये सारे अपलाइन तो बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और सर लेतिकुल नहीं होता तो आज मैं डबल डायमंड मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन अपलाइन का बहुत योगदान है। साथ ही साथ मणिपुर ऐसी जगह है, यहाँ पे कंपनी का सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह बहुत कम चलता है, और यहाँ इसी कारण क्या है, लोगों को डेवलपमेंट करने में काफी दिक्कत आती है, लेकिन बहुत अच्छा मौका आ गया। आज आप लोग जो जूम मीटिंग में जो बैठा है, इसी तरह डेली 6:30 बजे का हमारा जो जूम मीटिंग है, इसमें मैं और मेरा टीम के साथ ये जो जूम मीटिंग के द्वारा हम इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, पिछले 1 साल से सीख रहा हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में जितना आप अंदर जाओगे उतना आपको सीखने का मौका मिलता है, और इसका खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आपका जो डेवलपमेंट, आपका मेंटेनेंस, आपको लाइफ चेंजिंग करने का जो अपॉर्चुनिटी है, और बहुत अच्छा मतलब जूम मीटिंग के द्वारा आपको सीखने का जो मौका मिलता है। दोस्तों इस बिजनेस में मेरे को आगे बढ़ने में कुछ लीडर्स का नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले बहुत ताजुब की बात है, हम पहला जो बिजनेस में जो हमारा जो इनकम जो प्रमोट करते हैं, जो हर महीना जो 3 तारीख को जो क्रेडिट होता है, लेकिन क्या है, उससे काट के जो हर 6 दिन में हमको, जैसे महीना में 5 बार जो परफॉर्मेंस बोनस देते हैं, लेकिन मेरा टीम में हो क्या रहा है, मेरा टीम में बोलते सर हमको महीना की इनकम नहीं चाहिए, सर मेरे को 6 दिन की इनकम नहीं चाहिए, मेरे को डेली इनकम चाहिए। तो अभी क्या कर दिया, प्रोडक्ट को उठा के एकदम सेलिंग स्टार्ट कर दिया। तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं कल भी मैं मिल के आया था जो अपना लीडर से,
बोला कि सर मेरे को एक दिन को 5,000 रुपया की जरूरत है। पांच बार जो परफॉर्मेंस बोनस मिलता है और जो महीना का जो हमारा जो रॉयल्टी मिलता है, ये तक यहाँ तक भी काउंट नहीं करते हम लोग, जो रोज के इनकम चाहिए। तो इसी कारण क्या हुआ, तो एक बंदा है, मैं नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर मंगाल, ये 23 अक्टूबर को हमारे सिस्टम में जुड़ा था, लेकिन जस्ट 11 दिन में रॉयल्टी इनकम बन गया। क्योंकि डेली रोज के इनकम में अगर 5,000 टारगेट करेंगे तो उसका रॉयल्टी इनकम सिल्वर डायरेक्टर जो है 11 दिन में बन गया, 11-12 दिन। और अभी देखो नवंबर फर्स्ट वीक में उसका रॉयल्टी इनकम सिल्वर डायरेक्टर अचीव किया, और इसी दिसंबर में गोल्ड डायरेक्टर भी अचीव हो चुका है। मुझे लगता है मार्च आने वाला जो नेक्स्ट ईयर मार्च तक उसका डायमंड डायरेक्टर, डबल डायमंड डायरेक्टर पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो हमारा जो टीम है। और साथ ही साथ हमारा को जो बाहर बाहर से जो सपोर्ट मिलता है, हमारा जो एक लीडर है मिस्टर सिंगलाई गंबा गुवाहाटी में या अच्छा में, ये हमको कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छा बिजनेस को डेवलपमेंट करने दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैडम नंदिनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं रोज का, मतलब जब तक 1,000-2,000 का बिजनेस वॉल्यूम सेल नहीं करता घर नहीं लौटता, क्योंकि रोज का 2,000 का बिजनेस वॉल्यूम करना उसका मतलब मेंटेलिटी में फिट हो चुका है। और एक और जो जबरदस्त लीडर है कुंभम सूर्यचंद्रा, उसको भी रोज शाम को मेरे घर में आएगा, बोलता सर आज के लिए मैंने ये किया, आज जब तक 2,000 का बिजनेस वॉल्यूम नहीं काटेंगे तो हम घर नहीं लौटेंगे। इसी तरह मिस्टर टोंडांग है, बहुत अच्छा बिजनेस को जो प्रमोट करे। दोस्तों देखिए, जो मन में एक बार लग जाता ना इस काम को करने, आपको रुकने वाला कोई नहीं। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आज वो बैठे हैं मेरा रूम में, और मणिपुर में प्रॉब्लम तो हो गया, फायरिंग वगैरह, घर जलाना, ये सारे इसी बीच में हमने सेमिनार मीटिंग वगैरह तो कंडक्ट नहीं करते, इसलिए हमने क्या करते, ये जो यहाँ पे जो मैंने रूम बैठा है, यहाँ पे 40-50-60 लोग बैठ सकता है, और महीना में 2 बार मैं यहाँ घर में ही ट्रेनिंग करता हूँ, एक बार सेमिनार करता हूँ घर में ही, और दूसरा इसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग करता हूँ, और साथ ही साथ फर्स्ट वीक में हम लीडरशिप मीट करते हैं घर में बैठ के। तो क्या है, एक माय रिसा जो है आपका एक लाइफ पार्टनर बन गया, घर में ही शुरू कर दिया हमें, क्योंकि बाहर तो हम निकल नहीं सकते, रिस्क है, इसलिए घर में भी प्रमोट करता है, क्योंकि एक बार आपको दिल में छू लिया यस इस काम को करना है और यहाँ से आपको आगे निकलना है, तो आप माय रिसा इज द बेस्ट ऑप्शन। यकीन मानिए दोस्तों, हम रोज का प्रोग्राम जैसे 1-to-1 मीटिंग और होम मीटिंग, हफ्ता में 3 बार तो होम मीटिंग तो करना है, ये तो हमारा रूटीन में है। और डेली का जैसे सुबह टीम को कॉलिंग करना डेली की एक्टिविटी है, सुबह जैसे जूम मीटिंग खत्म हो जाते ही अपने जो लीडरशिप को लीडर है, टीम लीडर है, सबको कॉल करके आज का प्रोग्राम के बारे में हम इसको चार्ट बनाते हैं, साथ ही साथ हम इसका होम मीटिंग कहाँ पे करना है, मतलब डेली की एक्टिविटी है। हमने पहला मतलब कल के लिए प्रोग्राम नहीं देखा, पिछले को नहीं जोखा, आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट, आज मुझे क्या करना है और आज मुझे बिजनेस से कितना बिजनेस वॉल्यूम कमाना है, आज कहाँ पे मैंने किसको लीडर को मोटिवेट करना है, किसके साथ मीटिंग करना है, ये सब बहुत जरूरी है सर। और इसी तरह बिजनेस में जो प्रमोशन जो जो अभी आ रहे हैं बहुत तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा इस बिजनेस के अंदर सबसे तीन घटना सबके साथ मतलब 3 बार जो घटना हो चुके, आप लोग को याद होगा, एक बार जो डिमोनिटाइजेशन हुआ था, डिमोनिटाइजेशन के टाइम पे जो ट्रांजेक्शन पूरा शेष हो गया, एटीएम बंद हो गया, बैंक बंद हो गया, लेकिन क्या है माय रिसर्च जिंदा था, जब भी ट्रांजेक्शन करना है तो माय रिसर्च के द्वारा हम इसको ट्रांजेक्शन कर सकते थे। इसके बाद हम देखा कोरोना काल में सारे से शटडाउन होने के बावजूद हमारा आयुर्वेदा का प्रोडक्ट को कोई नहीं रुका, सारे लॉकडाउन होने के बाद आयुर्वेदिक को परमिशन दिया है कहीं भी जा सकते हैं। और तीसरे बार घटना देखा है अपने स्टेट में, पिछले 7 महीना से इंटरनेट बंद है, नेटवर्क बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, लेकिन ये सारे चीज होने के बावजूद बिजनेस पे 100% ग्रो हुआ।
सर ने मेरे को कॉल करके आया, बोला इस महीना में कितना परसेंट भरेगा सर? मैंने बोला 15% भरेगा, लेकिन बता चला कि ये तो 15% नहीं था सर, 100% है। लेकिन ये कैसे हो गया? लेकिन ये सब आपके डिसीजन और आपके दिल की बात होती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इस बिजनेस को आगे बढ़ने से आपको रुकने वाला कोई नहीं है, जब आपने डिसीजन ले लिया। और दोस्तों मेरा बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे जो रोज का जो जो मीटिंग और ट्रेनिंग सेमिनार से क्या है, हम खुद भी सीखता है जूम मीटिंग के द्वारा, और दूसरी प्यार क्या है टीम से भी सीखता है। और इस जूम मीटिंग का एक चीज मुझे बहुत जबरदस्त फायदा मिला, ये चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। जैसे आसाम में एक कछार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ मैं जानता नहीं हूँ उस बंदे को, लेकिन फिजिकली भी नहीं मिला, जूम के द्वारा उससे मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कराया। लेकिन वहां अभी डायमंड क्लब कर साथ ही साथ क्या है, पहला जो स्मार्ट कंज्यूमर का प्रोडक्ट दिया था, नेक्स्ट में अपग्रेड किया था डायमंड क्लब। डायमंड क्लब अपग्रेड करने के बाद जो उसने प्रोडक्ट लिया सीआर करके सेल करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या है अभी दुकान खोल के बैठा हुए वहां पे और बिजनेस को प्रमोट करे, लेकिन हमने फिजिकली उसको मिला नहीं, लेकिन फिजिकली इससे प्लान भी नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ आपका हमारा जो जूम मीटिंग का जो सिस्टम है इतना जबरदस्त है, और इसलिए जब भी कंपनी के जो जूम मीटिंग होती है आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, साथ में बैठा के देखिए, बिजनेस वीडियो ऑन करें ना करें, लेकिन क्या है माय रिसर्च का जो आवाज है उसकी कान में सुनाइए, देखना क्या परिवर्तन आता है। मेरा साथ हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं यकीन दिलाना चाहूंगा इस बिजनेस को अगर दिल लगा के आप इस बिजनेस में आएंगे तो देखो क्या क्या होने वाला है। बहुत अच्छा लगा इस बिजनेस के साथ, और मेरा जो इनकम जो अभी जो ग्रो कर रहे हैं, देखो हमने पहला सोचा था जैसे शुरुआत में बहुत हंसी भी आता था, बिजनेस को हमने छुटपुट समझ के मतलब ठीक से काम नहीं किया, लेकिन यहाँ से 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया 500 1000 1500 15,000, जब 15,000 का जो इनकम आता है तो घर में हम बैठे यार इसमें कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर 15,000 रुपया जो अपना पेमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा आता है तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस में इसको काम लगा सकता है। उसके बाद 2021 मई में जो ड्रीम अनलिमिटेड प्लान जो आया है, अभी जो प्लान प्रेजेंटेशन जो दिया है, ये जो लॉन्च हुआ उसके बाद इनकम में देखा कि 4 times 5 times किसी की इनकम जो प्रमोट हुआ है, जैसे 15,000 से सीधा 50,000, 50,000 से तो नीचे आए नहीं, कभी लाख के आसपास कभी लाख से ऊपर, और सबसे कमाने का एक मौका मिला कि यहाँ पे आप जो फ्रेंचाइज खोल के साथ में इसको बिजनेस को रन करेंगे तो आपको इनकम एसिप करने में बहुत जबरदस्त आपको इनकम प्रमोट करेगा। क्योंकि मैंने देखा हर महीना वहां यहाँ से इस बिजनेस में जो जीएसटी जो मैं फाइलिंग करता था साल 50,000 से नीचे ही नहीं आता, सेल्स के ऊपर अगर जीएसटी में 50,000 आप गवर्नमेंट को देते हैं तो आपकी इनकम क्या होगा दोस्तों? आप इसको फ्रेंचाइज नहीं तो आप जो कंपनी के जो दिया हुआ जो शॉपी है इसको खोल के भी मिल के दोनों तरफ अगर इनकम कमाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने मालूम है अगर छोटा मोटा अगर काम भी करोगे अभी बाहर तो लगभग 4-5,000 तो लगता ही है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको कम पैसा में बहुत अच्छा कमाने का मौका मिलता है दोस्तों। समय तो पाबंदी है, मैं इतने ही बोल के आज की मेरा बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय महाराज, जय हिंद, थैंक यू सर।